बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी अब पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारी में जुटी है। इस बीच सियासी बयानबाजी भी जोरों शोरों से हो रही है। आपको बता दें कि बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर बयान दिया है। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली महिला बता दिया है। और क्या कुछ कह रही है डिप्टी सीएम रेणु देवी, आप भी सुनिए। सभी बहनों को लाजवंती झा जी के भीतर, सजल झा जी, हमारी और भी बहनें जो जितनी पदाधिकारी हैं, जिन्होंने जितना परिश्रम किया है, हम उनका सम्मान करने आए हैं। इसलिए हम आप और आप लोगों का भी सम्मान हम करने आए हैं, पत्रकार बंधुओं का भी, जिन्होंने हम लोगों को हमेशा साथ दिया है। इसलिए आज का जो कार्यक्रम है हमारी बहनों ने मेरे लिए रखा, लेकिन मैं इन सभी बहनों का सम्मान समारोह में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। मैडम, लेकिन बंगाल में जी अभी अभी यहाँ पर महिला डिप्टी सीएम है, वहाँ भी महिला, बंगाल में सीएम है महिला, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर हमला हो रहा है, उसको क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ जो वामपंथी विचारधारा है, उन्हें भारत माता से कुछ नहीं करना है, उन्हें देश को टुकड़े टुकड़े में डालना है। तो टुकड़े डालने वाली महिला है यहाँ, महिला भारत माता की जय कहने वाली।